अफ्रीकी देश सूडान इस वक्त भयंकर विद्रोहों का सामना कर रहा है। सूडान के संघर्ष में 427 लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सूडान में हमलावरों ने बायोलॉजिकल लैब पर भी अब कब्जा कर लिया है। ऐसे में भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी अभियान लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लोगों को सुरक्षित लाने का काम शुरू हो चुका है। इसकी निगरानी के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को वहां भेजा जा रहा है। अमेरिका ने भी अपने उन नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने की सुविधा मुहैया कराना शुरू कर दिया है जो देश आना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। करीब 500 नागरिकों को पोर्ट सूडान लाया जा चुका है। हमारे शिप और एयरक्राफ्ट भारतीयों को वापस लाने के लिए रेडी हैं। आपको बताएं तो सऊदी ने भी भारतीयों को सूडान से निकालने में भारत की मदद की। सऊदी हर तरीके से भारत के समर्थन में खड़ा रहा। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच बीते कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। सेना के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अर्धसैनिक बल को सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है। सेना और RSF के बीच छिड़ी जंग में आम लोग बुरी तरह से पिस गए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी खार्तूम में है। यहाँ एयरपोर्ट और स्टेशन सहित तमाम अहम ठिकानों पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। 10 दिन से चल रही इस लड़ाई के बीच अब 72 घंटों के सीज फायर का ऐलान किया गया है। ये घोषणा अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से की गई मध्यस्थता के बाद किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में इस संघर्ष विराम का फायदा उठाते हुए दूसरे देश सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश करेंगे।